हाय, मैं अंजीव सिंह और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप हिंदी में कैसे टाइप करें। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हिंदी में टाइपिंग आप कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जरूरत होगी एक हिंदी फॉन्ट की, जो कि हमारा सबसे स्टैंडर्ड तरीका है या कहीं भी किसी भी जगह पे यूज होता है। किसी भी ऑफिस में अगर आप किसी एग्जाम देना है, टाइपिंग एग्जाम देना है, तो वहां भी इसी तरीके को यूज किया जाता है। लेकिन लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है, कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट के बाद कुछ नए डेवलपमेंट भी हुए, कुछ नए कंसेप्ट भी आए, तो नए फॉन्ट स्टाइल आ गए, नए स्क्रिप्टिंग कोड आ गए। इस नए स्क्रिप्टिंग कोड में पहले क्या था कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कीबोर्ड होते थे, लेकिन अब कीबोर्ड्स के कई तरह के स्क्रिप्ट आ गए, और एक स्क्रिप्ट आ गया जिसका नाम है इन स्क्रिप्ट कोड। तो इन स्क्रिप्ट मोड में, इन स्क्रिप्ट का मतलब होता है इंडियन स्क्रिप्ट। इंडियन स्क्रिप्ट जो कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, कि कंप्यूटर पे अगर कोई चीज हिंदी में दिख रहा है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी लैंग्वेज के थ्रू, कोई चीज, कोई टाइटल, कोई हेडिंग, तो वो इन स्क्रिप्ट कोड को यूज करके ही वो दिखा रहा होता है, जिसको हम यूनिकोड भी कहते हैं, यूनिकोड सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको इन स्क्रिप्ट कोड में टाइप करना है, तो इन स्क्रिप्ट कोड का जो कीवर्ड लेआउट होता है वो कुछ होता है डिफरेंट। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं कि इन स्क्रिप्ट कोड का ये लेआउट देख सकते हैं, इसके लेआउट थोड़े अलग होते हैं। ये बिल्कुल हिंदी फॉन्ट्स की तरह मिलते जुलते तो नहीं है, उनसे हटके होते हैं, और कुछ इस तरह से हिंदी अल्फाबेट्स ऑलमोस्ट सारे इस कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आपको अपने लैंग्वेज बार के अंदर जाके लैंग्वेज की सेटिंग चेंज करनी होती है, और सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पे इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड इंस्टॉल करना होता है। चलिए देखते हैं कि आप इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करोगे, किस तरीके से। ये सारे अल्फाबेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से अल्फाबेट्स आपको मिलेंगे। मतलब अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट्स वाले कीबोर्ड को यूज कर रहे हो, तो ए के साथ कौन सा कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, ये विदाउट कैप्स लॉक है, ये विद कैप्स लॉक है, या विदाउट शिफ्ट है और विद शिफ्ट के साथ है। ये भी देख सकते हैं, स्मॉल एक ले और ए आई ओ, आप देखिए अ आ ई उ, सारे चीज अल्फाबेट्स आपको यहीं पे मिल जा रहे हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शन शिफ्ट के साथ मिल रहे हैं, और अगर आप विदाउट शिफ्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्राएं आ जाएंगी वहां पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करोगे। इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको खोलना पड़ेगा आपके सिस्टम्स की सेटिंग्स, सिस्टम्स की सेटिंग। तो आप राइट क्लिक करें माइक कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर राइट क्लिक करके आप सिस्टम पे जाएंगे, तो ये सिस्टम आ जाएगा। यहां से आप होम ऑप्शंस को ले लीजिए। होम ऑप्शंस पे यहाँ पे आपको दिखता है टाइम एंड लैंग्वेज। टाइम एंड लैंग्वेज ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको यहां से लेना है, ये रीजन है, रीजन हमारा इंडिया डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखा हमने, कंट्री और रीजन। यहां पे आपको जाना होगा लैंग्वेज पे, लैंग्वेज पे यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज है, जैसे कि अभी हमारे सामने दिख रहा है कि दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज। मैं यहाँ प्लस साइन पे जाके यहाँ पे सर्च करूंगा। अब देखिए ये कई सारे लैंग्वेज सपोर्ट्स करता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे कई सारे लैंग्वेज हैं। इसी लैंग्वेज में मुझे सर्च करना है हिंदी, क्या सर्च करना है, हिंदी। तो हिंदी को सर्च करने के लिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे HINDI हिंदी टाइप करूंगा। हिंदी टाइप करते ही देखिए हमारा हिंदी आ गया, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इट विल सर्च समथिंग। अब ये पूछ रहा है सेट एज माई डिस्प्ले लैंग्वेज, अगर आप इसको डिस्प्ले लैंग्वेज कर देंगे तो जो कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर दिखाई दे रहा होगा उसे ये हिंदी में दिखाने की कोशिश करेगा। मैं यहां पे कर देता हूं इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगेगा इसे, तो मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूं। मैं वीडियो को यहां पे पॉज करके, और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद के सीन को आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए मेरे सिस्टम पे ये इंस्टॉल हो चुका है, ये हिंदी लैंग्वेज पैक आप यहां से देख सकते हैं। यहां पे आप ऑप्शंस पे आ जाइए, और ऑप्शंस पे आके आप हिंदी इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड देखिए इसके साथ ऐड हो चुका है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज पैक इंस्टॉल हो चुका। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब है कि हम इसे टाइपिंग कैसे करेंगे। तो इसकी टाइपिंग को करने के लिए जैसे कि सबसे पहले हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। मैं अपने वर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज बार दिख रहा है, इस लैंग्वेज बार के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नेशनल कीबोर्ड यहां से आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए आप यहां से टाइप कर सकते हैं, आप यहां से टाइप कर सकते हैं। अब देखिए ये ट्रेडिशनल कीबोर्ड्स आपके पास ऑप्शंस आ गया था ये, और यहां से आपको अब आपको टाइपिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। आप जो भी ऑप्शंस ले इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं, और ये मैं दिखा रहा हूँ इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड आप ले लीजिए, ये इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड से भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, जो ये देखिए आपको यहाँ पे टाइप करना है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने टाइपिंग के लिए।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इस कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उस ऑप्शंस को हमें इस्तेमाल में लेना है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर सकते, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।